या जो है हमारे कहाँ से आए दिया भाई आप? सर जी, फिर सर रहने वाले तो हम यूपी इलाहाबाद से हैं, लेकिन हम सऊदी अरब मक्का में काम करते हैं। मक्का में? तो आप यहाँ से सऊदी अरब में हमारे चैनल को फॉलो कर रहे थे कि कैसा आए आप यहाँ तक आए कैसे? चैनल में काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे थे, और हमारे ताहिर भाई हैं, थैंक्स अच्छा ताहिर भाई आजमगढ़ से, उनसे मैंने बात किया था। तो उन्होंने बताया था कि जो है तुम चले जाओ, जा करके देख लो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उनकी बात की को सुन करके मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा करियर लगभग 7 साल 8 साल का करियर था ये पूरा, जब से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग स्टार्ट किया है। और इन 7 सालों में मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन उसके बीच बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ोन वापस जाते थे। यहाँ पर आया फर्स्ट डे से मैंने जो है यहाँ पर जो सागर सर हैं, जिन्होंने जो है प्रैक्टिकल की जो जो थ्योरी बताई, जो ट्रिक बताई, तो फर्स्ट टाइम पहली बार में जो है CPU और EMMC मैंने उसको डन किया, पहली फ़ोन। तो इनका ट्रिक बहुत अच्छा है, तो मैं फ़िलहाल रिकमेंड करूँगा कि जो है ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन के इसमें अगर आगे जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आँख बंद करके यहाँ पर आ जाएं। और यहाँ पर तो आपको जो है सबसे पहले तो थ्योरी मिलती है, जो हमारे फिरोज सर देते हैं, बहुत अच्छी थ्योरी देते हैं। थ्योरी देंगे, उसके बाद आपको सर्किट डायग्राम वगैरह, स्कैमेटिक्स, सारी चीज़ें बताते हैं, डिटेल्स बताते हैं। और एक बार नहीं, आप 3 बार 4 बार पूछेंगे तो भी आपको, जब तक क्लियर नहीं होता एक सब्जेक्ट, उसको आगे नहीं करते हैं, उसको स्किप नहीं करते हैं, उसको पूरा करके उसको फिर आगे जाते हैं। तो थैंक्स फिरोज सर, थैंक्स सागर सर, और हमारे पीछे शिवा सर हैं, जो इनका भी हैंड स्किल बहुत अच्छा है, वो यहाँ पर क्लास में एवरी टाइम अवेलेबल होते हैं और बच्चों को वॉच करते रहते हैं, बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं। तो सारा ये जो सफ़र रहा 20 दिन का, बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छा, सब अच्छे दोस्त मिले, बहुत सारे लोगों से जान पहचान हुई। इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी सीखे अब इतने दिन सॉफ्टवेयर में, ताहिर सर से सॉफ्टवेयर में। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है, सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरी ज़रूरी सीखना है। और ताहिर सर जो है जिनका तौफीक सर जो है जिन्होंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर का 5 दिन का क्लास, सॉफ्टवेयर में इतना कुछ सीखने को मिला कि मतलब सोच भी नहीं सकते हम। तो ऑल ओवर पैकेज की हम बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और आपकी थ्योरी, सब बहुत ज़बरदस्त है। वाह, अभी जो काम वापस जा रहा था करेंगे जाकर के? अभी तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, अभी तो फिलहाल एक भी फोन वापस जाने नहीं देंगे। वाह, इतना कॉन्फिडेंट आया, ऐसा कोई फेक बात तो नहीं बोल रहा? नहीं, कोई बिल्कुल फेक बात नहीं है, सब अपने हाथ से किया हुआ है ना, कुछ अगर देख के अगर हम करते हैं तो नहीं, अपने हाथ से सब कुछ। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूँ आपको, बहुत सारे जगह पे सिर्फ टीचर काम करते हुए दिखेंगे आपको, यहाँ पे अलग क्या लगा आपको कि हर बच्चा यहाँ पे काम किया हुआ है? यहाँ पर जो जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो जिन्होंने कभी फोन को पकड़ा भी नहीं, वो 1 से 2 बार में जो है CPU और MMC को रिवॉल्व करके डाल के फ़ोन को ऑन कर रहे हैं। फ्रेशर बच्चों की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि ये फेक बात है। हमारे सामने दो, हमारे बैच में 1, 2, 3, 4 लोग 4 बच्चे ऐसे जो फ्रेशर है, बिल्कुल कभी उन्होंने फ़ोन भी नहीं पकड़ा, तो वो लोग भी जो है जब कर सकते हैं, तो बाकी जो रनिंग में जो काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में काम देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो वो अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आग बन करके यहाँ पर आ जाएँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा, एक बार इनके लिए 2000 क्लैप दिया वाला। रेडमी नोट 5 प्रो का हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, जैसे इसमें पावर जो लग के PM660, यही इसका चार्जिंग IC भी है। तो यहाँ से फ्रेंड्स होता क्या है, इसमें जो CPU लग के है SGM636 इसमें लग के है, और एक हमारा FEM IC है जिसको हम फ्रंट एंड मॉड्यूल बोलते हैं, या फिर 2G PA, या फिर लो बैंड PA भी बोलते हैं, या एंटीना IC भी कोई बोलते हैं इसको। तो ये भी हमारा एक PA होता है 2G बैंड के लिए, और इस तरह की एक लाइक आपको रेक्टेंगल टाइप की IC दिखेगी जो कि 4G PA होती है हमारी, हाई बैंड PA, और एक APT पावर इसमें यूज किया जाता है। 4G PA को VCC मेन की सप्लाई इसी से दी जाती है, और एक होता है हमारा RF IC जिसको हम ट्रांस रिसीवर बोलते हैं, या बेसबैंड IC भी बोलते हैं, जो हमारा है इसमें लगकर SDR660। इसको वर्क कराने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो वोल्टेजेस चाहिए 1.0, 1.8, 1.0, 1.8 और 1.2, ये सारे के सारे आते हैं पावर IC से, LDO सेक्शन से, VREX सेक्शन 2 से आते हैं। तो यहाँ पे ये वोल्टेजेस नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे सिम तो शो नहीं हो रहा है अभी, सबसे पहले हमको सिम शो करवाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले एक 38.4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लग के होता है पावर के पास, ये सप्लाई यहाँ पे पहले जनरेट होनी चाहिए, और ये जनरेट होती है तभी मोबाइल आपका ऑन होता है, अदरवाइज मोबाइल डेड हो जाएगा। और ये 38.4 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई यहाँ से 168 नंबर बॉल से पावर IC के निकल करके एक 0 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू इस हैंडसेट में इन होती है, एक्सो इन के नाम से 140114, जो कि SDR660 में 114 नंबर का जो गोला होता है, यहाँ पे मैं आपको बताना भी चाहूंगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं 114 नंबर का जो गोला है, यहाँ पे आपकी एक्सो इन की सप्लाई इन होती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें हमको RFFE क्लॉक डाटा की सप्लाई, जो कि सीपीयू के AT20 और AR19 से निकल करके SDR में 166 और 149 पे, 166 में क्लॉक की सप्लाई मिलनी चाहिए, 149 में हमको डाटा की सप्लाई मिलनी चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, क्लॉक का मतलब यहाँ पे आपका डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन डाटा, तो डार्क ब्राउन देख सकते हैं 166 जो कि हमारा क्लॉक की सप्लाई है, और 149 जो देख रहे हैं ये डाटा की सप्लाई। ये डाटा शीट हम स्टूडेंट को क्लास में देते हैं, कैसे इसको समझना है, कैसे इसको बनाना है। इसमें अभी GR मिसिंग है, वोल्टेजेस तो हमने डाल दिए हैं, इसमें अभी GR भी आप बना सकते हैं। तो ये मिलने के बाद ही ऐसी काम करेगा। और यहां से अगर से इसको एक्सो इन का सप्लाई अगर से इसको मिसिंग होता है तो ये ऐसी काम नहीं करेगा और हमारा सिम भी शो नहीं करेगा इसमें। इसके अलावा सिम की जो सप्लाई होती है वो भी मिसिंग हो जाती है, उसका ट्रिगर मिस हो जाता है, लॉजिक लो लॉजिक हाई काम नहीं करेगा, या वोल्टेजेस उस पे नहीं आएंगे, या डाटा क्लॉक की सप्लाई सिम में मिस हो जाती है, तब भी वो हमारा काम नहीं करेगा। सबसे पहले हम सिम के GR चेक करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2GPA के लिए जो हमारी डिजिटल सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है RFFE क्लॉक डाटा, जो कि 4GPA, APT पावर और 2GPA तीनों के लिए एक साथ ही एक ही इसमें RFFE की सप्लाई दी गई है। अगर से इसमें से किसी एक में भी शॉर्टिंग आ जाती है या लीकेज आ जाती है तो आपका रेडियो ऑफ का एरर आ जाता है और आपका नो सर्विस और इमरजेंसी में सेम चला जाएगा, सेट चला जाएगा। इसके अलावा एक वोल्टेज चाहिए, इनपुट आउटपुट VIO, जो कि तीनों को भी पावर एसी से आता है। ये देख सकते हैं VIO का वोल्टेज एक तो चला गया APT में और यही वोल्टेज चला जाता है 4GPA और 2GPA में, ये भी रिक्वायरमेंट जरूरी है। और एनालॉग वोल्टेज में एक और वोल्टेज चाहिए जो कि हमारा VPH वोल्टेज होता है, जो कि DC to DC से निकल करके APT पावर में भी जाता है, VPH इनपुट सप्लाई 4GPA में भी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर 2GPA में भी आपको यही 4 वोल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड 4GPA के लिए एक और वोल्टेज चाहिए VCC2 के नाम से, जो कि VPA APT के नाम से आपको देखने मिलेगा। और ये APT मॉड्यूल को जब हम VPH इनपुट देते हैं, VIO इनपुट देते हैं, RFFE क्लॉक डाटा इनपुट देते हैं, तो इस कॉइल के पास स्विचिंग कर करके यहाँ से एक बक वोल्टेजेस निकालेगी जो कि 0.3 से लेकर के 4 वोल्ट के आसपास मिलते हैं आपको। तो ये वोल्टेज 4GPA के लिए होते हैं। और जिस हैंडसेट में ये 4GPA में आपको जिस हैंडसेट में APT पावर नहीं होता है तो वोल्टेज कहाँ से आते हैं मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, क्योंकि हर एक हैंडसेट में आपको APT पावर यूज करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये APT पावर MediaTek में आप देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर पे देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे पावर एसी बनाती है यही वोल्टेज। लेकिन लेटेस्ट मॉडल में अगर आप देखोगे तो APT पावर जो है ना MediaTek में पावर एसी नहीं बनाती है, और उसमें भी आपको एक APT पावर मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर्स हमने दिए हैं, VPH 8 नंबर पे चाहिए इसको, इसको चाहिए 9 और 10, और VIO इसको 7 नंबर में 4G में जाएगा और 7 नंबर में 3G 2G वाले में भी 7 नंबर पे ही जाएगा। और अगर 4G में अगर RFFE क्लॉक की सप्लाई देखेंगे 6 नंबर पे जाएगी, डाटा 5 में जाएगी। वही 2G में अगर आप देखोगे तो 5 नंबर पे क्लॉक है और 6 नंबर पे डाटा की सप्लाई जाएगी, मतलब इसका उल्टा। और अगर वही अगर आप APT मॉड्यूल में देखेंगे तो 2 और 3 नंबर में ये आपकी सीपीयू से RFFE की सप्लाई यहाँ पे आती है, जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसके भी मैंने बता दिया है, इसमें सेपरेट यूज किया है। ये कैसे आपको बनाना है, अगर आपको इस तरह से खुद बनाना सीखना है, यहाँ पे आपको GR भी देखने हैं, सीपीयू से कितने GR आते हैं, तो वो आपको हम लाइव क्लास में बताते हैं, सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, पुल अप रजिस्टर कहाँ पे यूज किए जाते हैं, कौन से सर्किट में यूज किए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका डाटा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बैच जो है हमारा 27 अगस्त का, एक 2 सीट बाकी है हैदराबाद की ब्रांच में, अगर आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। और दिल्ली में जो हमारा बैच लगा है अभी 5 तारीख से, जिसमें कुछ सीटें लेफ्ट है, बाकी हाफ से ज़्यादा सीटें बुक हो चुकी हैं। जल्दी से बुक कर लीजिए अपनी सीट अगर आप दिल्ली के ब्रांच में आना चाहते हैं। लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में हमारा ब्रांच है, जो कि फर्स्ट ब्रांच दिल्ली में है, और मेन ब्रांच जो है हमारा हैदराबाद में है, फ्लैगशिप स्टोर फ्लैगशिप ब्रांच हमारा जो कि हैदराबाद के करीब है। आप तो हैदराबाद आ सकते हैं, अगर आपको दिल्ली नज़दीक पड़ता है तो वहाँ आ सकते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए हमारी टीम के साथ। ये एक छोटा सा नेटवर्क सेक्शन का आपको सोल्यूशन दिया है हमने, सारी चीज़ क्लास के अंदर लाइव हम ट्रेस करके बताते हैं आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। बहुत बार आप WTR SDR बदल देते हो, वोल्टेजेस नहीं बनते हैं तो पावर बदल देते हो, अंदाजे पे काम करते हो
तो क्या प्रॉब्लम आती है, रेडियो ऑफ में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है आपको, नो सर्विस में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, इमरजेंसी कॉल में क्या चीज़ें चेक करनी है, लो नेटवर्क आ रहा है आकर जा रहा है या नहीं आ रहा है, सिर्फ 2G काम कर रहा है, 4G काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, LTE काम नहीं कर रहा है, तब क्या करना है, सारी चीज़ हम क्लास में बताते हैं। ICM को कैसे बाईपास करना है, सिग्नल को कैसे बाईपास करना है, वोल्टेज को कैसे बाईपास करना है, कब करना है, अगर आपको अच्छे से सीखना है, प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना है तो ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद को। यहाँ पे हैंड स्किल के काम के साथ साथ आपको थ्योरी की नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।